हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मूंग दाल बड़ी की सब्जी बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान है, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और स्किप करके ना देखें तो आप भी बना सकते हैं बड़ी की बिल्कुल परफेक्ट सब्जी। देखिए हमारी बड़ी कितनी अच्छी सॉफ्ट हुई है। तो चलिए बनाते हैं मूंग दाल बड़ी की सब्जी। यहाँ पे मैंने थोड़े से मूंग दाल लिए हैं, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से लें। तो यहाँ पे मैं इतनी मूंग दाल ली, बड़ी ली हूँ और इसे अब मैं मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। बहुत जल्दी भुन जाती है बड़ी, इसलिए आप इसे हाई फ्लेम पर ना भूलें, नहीं तो जल जाएगी, फिर गलेगी नहीं अच्छी। तो यहाँ पर मैं इसे रेड होने तक फ्राई कर लूँगी। इसे आप फ्राई करके ही सब्ज़ी में डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और गलेगी भी। देखिए हमारी बड़ी बिल्कुल भुन गई है, बिल्कुल इसी कलर का आप इसे भुनें। जैसे ही हमारा बड़ी भुन जाएगा फिर हम इसकी सब्जी की तैयारी करेंगे। मैंने मूंग दाल की बड़ी जो बनाई है बिल्कुल प्लेन बनाई है, इसलिए यहाँ पे मैं जब सब्ज़ी बनाऊँगी तो इसमें खूब सारे मसाले डालकर, जैसे हम घर में सब्जी बनाते हैं, बिल्कुल सारा मसाला ऐड करके सब्जी की ग्रेवी बनाऊंगी। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और फिर इसी कढ़ाई में हम अब ग्रेवी बनाएंगे। मस्टर्ड ऑयल में आप जीरे का छौंक लगा लें। बड़े में मैंने हींग दिया था तो यहाँ पे हींग मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, साथ ही अनियन ऐड कर दिया। अनियन को आप गोल्डन होने तक फ्राई करते रहें। जब हमारा अनियन गोल्डन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें मसाले डालूंगी। मसाले में मैंने पहले ही तैयार करके रख लिया है। मसाले में मैं डाली हूँ लहसुन, अदरक, जीरा और गरम मसाले। जो भी गरम मसाले आपके पास अवेलेबल हों, जैसे दालचीनी, जावित्री का फूल, लौंग, इलायची, एनिस्टार, बड़ी इलायची, वो मैंने ऐड कर दिया है और उसे भी एक मिनट तक आप भूनें। यहाँ पे मैं टमाटर ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसी ग्रेवी में बड़ी को पकाना है। अगर आपको टमाटर ऐड करके खाना है तो फिर आप बड़ी को पहले ही किसी दूसरे बर्तन में पका लें। तो यहाँ पे मैंने साथ ही नमक और हल्दी भी स्वाद के अनुसार ऐड कर दिया है और थोड़े से पानी आप ऐड कर दें जिससे हमारा मसाला जले नहीं। उसके बाद आप इसे ऑयल सेपरेट होने तक पकाएं। हमारा मसाला जितना अच्छा भुनेगा हमारी सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बनेगी। और यहाँ पे मैंने उबले आलू के साथ बड़ी बना रही हूँ। यहाँ पे मैं कुछ उबले आलू मैश करके डाल रही हूँ। आप चाहे तो प्लेन बड़ी की सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ उबले आलू के साथ आज बना रही हूँ। तो आप आलू डालकर इसे भी थोड़ा फ्राई कर लें, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आलू के साथ बड़ी का। तो आप भी एक बार ज़रूर इस कॉम्बिनेशन के साथ बड़ी की सब्जी बनाएं। और मैं बड़ी बनाने की रेसिपी ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप ज़रूर उस वीडियो को फॉलो करके घर पर बनी बड़ी बनाएं खुद से और फिर उसकी सब्जी बनाएं। बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। तो आलू हमारा भुन गया था, मैं इसमें जितना आप नॉर्मल पानी डालते हैं ग्रेवी के लिए उससे ज़्यादा डालें क्योंकि इसी ग्रेवी में हमें बड़ी को पकाना है। पानी में जब उबाल आए जब भी हम बड़ी ऐड करेंगे, ठंडे पानी में हमें ऐड नहीं करना है। तो हमने ज़्यादा अमाउंट में पानी डाला है, उसके बाद बड़ी डालकर उसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 से 15 मिनट तक आप इसे चलाएं नहीं, बड़ी डालने वक्त भी हमें इसे नहीं चलाना है, सिर्फ बड़ी डालें उसके बाद ढककर 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दें। अब देखिए बड़ी को कितनी सुपर सॉफ्ट हुई हमारी बड़ी। बड़ी बनाना इसलिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बड़ी गलती नहीं है, लेकिन आप
चुटकियों में बना सकते हैं सुपर सॉफ्ट बड़ी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ मूंग दाल बनाने बड़ी बनाने की विधि, और आप लोग ज़रूर वहाँ से देखकर बनाएं मूंग दाल की बड़ी घर पर और अपने हाथों से। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।